हेलो एस्पिरेंट्स, हम पढ़ रहे थे इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत। दिस इज द चैप्टर नंबर 2 विच इज द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हमारा संविधान कैसे बना। हमने यहाँ तक पढ़ा कि हमारी फर्स्ट कैबिनेट बनती है फ्री इंडिया की, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 पास होता है, बट उसके बाद से क्या सीक्वेंस रहता है वो हम सेकेंड चैप्टर में पढ़ेंगे। देखिए, कुछ पार्ट्स में आपको मैं इसके पढ़ाऊंगी, एक साथ में नहीं सारा टॉपिक रहेगा, सारा चैप्टर रहेगा, राइट। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, जिसमें हम फर्स्ट दो इसके हेडिंग्स डिस्कस करेंगे, जो कि है डिमांड फॉर अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड कॉम्पोजिशन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। डिमांड का मतलब है कि किस तरह सबसे पहले डिमांड रखी गई संविधान सभा की, उसके बारे में सब कुछ। तो देखिए, सबसे पहले 1934 में क्या हुआ था, जो एमएन रॉय थे, इन्होंने ये आइडिया सामने रखा कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी कि एक संविधान सभा होनी चाहिए। बट उस टाइम पे ज्यादा जो है इस चीज पे फोकस नहीं किया गया, इसे तवज्जो नहीं दिया गया। कम्युनिस्ट मूवमेंट जो इंडिया में चल रहा था उसके पायनियर थे ये, ठीक है। फिर आता है 1935, अगला साल। तो इस टाइम पे INC ने ऑफिशियली डिमांड किया कि हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए ताकि हम अपना संविधान खुद से बना सके। उसके बाद 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने INC के बिहाफ पे डिक्लेयर किया कि हमें अपना संविधान बनाने के लिए, स्वतंत्र भारत का संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा चाहिए, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए, जो कि वोटिंग के बेसिस पे बनाई जाएगी और हमें कोई भी आउटसाइड इंटरफेरेंस उसमें नहीं चाहिए, ठीक है ना। अब क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू बहुत ही दिग्गज नेता थे, तो उनकी बात भी ब्रिटिशर्स को सुननी ही थी। तो उस पे क्या होता है, ऑगस्ट ऑफर आता है। अब देखिए, यहाँ पे थोड़ा थम जाते हैं, हमारी बुक में ऑगस्ट ऑफर का जिक्र है, थोड़ा सा हम इसके बीच वाली स्टोरी जानते हैं। तो इस टाइम पे चल रही थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है ना। नाउ अब इस टाइम पे जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर चलती है, तो उस टाइम पे ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, खुद से ही इंडिया को कह देते हैं कि इंडिया हमारे साथ युद्ध लड़ेगा, ये हमारी साइड पे है, ठीक है ना। तो इससे इंडियंस को, जो भी नेता थे, लीडर्स थे, पॉलिटिकल लीडर्स थे इंडियंस, उनको बहुत ऐसे धक्का लगा कि हमसे पूछा भी नहीं और हमारी कंट्री को युद्ध में आगे डिक्लेयर कर दिया कि हम युद्ध लड़ेंगे, तो ये तो बहुत गलत चीज है। तो इस चीज पे जो इंडियन लीडर्स थे बहुत ज्यादा गुस्सा थे। अब उसके बाद क्या होता है, तो फिर इंडियंस कहते हैं कि चलो ठीक है, लेकिन आप हमें ये गारंटी दीजिए कि आप उसके बाद हमें फ्री इंडिपेंडेंट कर देंगे। तो उन्होंने कहा कि हाँ, और फिर इसी के चलते ऑगस्ट ऑफर आया था 1940 में, ठीक है ना। अब इसके अंडर क्या था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो भी डिमांड थी इंडियंस की कि आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनानी है, फ्री इंडिया का संविधान बनाने के लिए, वो सब कुछ इसमें था। लेकिन इसमें था क्या कि जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुई थी, तो उस टाइम भी ब्रिटिशर्स ने कुछ ऐसे ही वादे किए थे, लेकिन जो वो वादे थे वो पूरे नहीं किए थे। तो इस टाइम पे डाउटफुल थे सारे जो पॉलिटिकल लीडर्स थे कि अभी तो ये कह रहे हैं क्योंकि इन्हें हमारी जरूरत है, लेकिन जब वॉर खत्म हो जाएगी उसके बाद में क्या गारंटी कि ये हमारी बात सुनेंगे, या फिर कह लीजिए कि ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे। तो INC ने पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया था ऑगस्ट ऑफर को, दो मुस्लिम लीग ने इसे बाद में चल के एक्सेप्ट कर लिया था। अब देखिए, इन तीनों को हम इन डिटेल पढ़ेंगे हिस्ट्री परस्पेक्टिव से, हिस्टोरिकल परस्पेक्टिव से। यहां हम पॉलिटिकल परस्पेक्टिव से पढ़ रहे हैं, तो जितना बुक में दिया है उस हिसाब से ही मैं पढ़ा रही हूं। उसके बाद आता है क्रिप्स मिशन। अब क्रिप्स मिशन आया 1942 में, यहां पे भी कुछ चीजें आई कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। अब देखिए, क्रिप्स मिशन के जो प्रपोजल्स थे ये कंप्लीटली रिजेक्ट किए गए मुस्लिम लीग के द्वारा। क्यों? क्योंकि मुस्लिम लीग चाहती थी कि इंडिया को इंडिपेंडेंट करना है, करते रहें, बट इंडिया को दो ऑटोनॉमस स्टेट्स में डिवाइड किया जाए और दो सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज बनाई जाएं, जो चीज बिल्कुल मना कर दी थी क्रिप्स मिशन ने कि ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कोई आइडिया नहीं था उनका, ठीक है। फिर उसके बाद आता है कैबिनेट मिशन 1946 में। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी जो है दो संविधान सभा का आइडिया खारिज किया था, लेकिन बाद में कुछ ऐसे ऐसे ऑफर्स दिए, ऐसी ऐसी स्कीम्स लेकर आए कि इनकी बात दोनों ने मान ली, मुस्लिम लीग ने भी, INC ने भी, तभी जो है उसके बाद संविधान सभा बनती है। तो क्वेश्चन आता है कि जो ये संविधान सभा बनती है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनती है, ये कौन से प्लान या इनिशिएटिव या मार्क के अंडर बनती है? तो ये कैबिनेट मिशन के अंडर बनती है, जो कि 1946 में आया था, ठीक है। चलिए, अब डिमांड हमने समझा कि संविधान सभा की डिमांड कैसे कैसे रखी गई, कैसे कैसे हमें मिला, एक तरह से पूरा का पूरा परमिशन मिली कि हाँ जी बना लो। अब उसके बाद बनती है हमारी संविधान सभा। अब संविधान सभा में कितने मेंबर्स होते हैं, किसको कहां पे रिप्रेजेंटेशन मिलती है, अब हम वो पढ़ेंगे। पहली चीज तो ये समझ लें, कैबिनेट मिशन की रिकमेंडेशन के ऊपर बना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है जी, नवंबर 1946 में बना था। अब यहां पे आपने देखा होगा बुक में कुछ पॉइंट्स हैं जो आपके फ्यूचर फॉर्म्स में दिए गए हैं, उन्हें हम अब डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट आता है कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसमें टोटल 389 मेंबर्स थे,
ठीक है ना। अब इन 389 मेंबर्स में से 296 मतलब इतनी सीट्स होंगी, अभी तो इलेक्शंस होने हैं फिर भरी जाएंगी, तो इतनी सीट्स रखी गई कि इतनी सीट्स हैं और इलेक्शंस होंगे, तो 296 सीट्स ब्रिटिश इंडिया को दी गई, मतलब वो टेरिटरीज जिनके ऊपर ब्रिटिशर्स का डायरेक्ट कंट्रोल है उनको, और 93 सीट्स दी गई प्रिंसली स्टेट्स को। इसमें जो राजे रजवाड़े हैं जो अभी तक ब्रिटिशर्स के अंडर नहीं आए हैं उन्हें कर वगैरह देते हैं, लेकिन अभी ब्रिटिशर्स के डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं है वो थे इसमें। अब ये 296 सीट्स फर्दर डिवाइड की गई, 292 जिसमें 11 गवर्नर की प्रोविंसेस थी वहां से आएंगे, 4 सीटें चीफ कमिश्नर्स की प्रोविंसेस को दी गई। अब ये 11 गवर्नर की प्रोविंसेस कौन कौन सी थी आप यहां पे देख सकते हैं, 4 चीफ कमिश्नर्स की प्रोविंसेस कौन कौन सी थी आप यहां पे देख सकते हैं। अब देखिए नोट्स एंड रेफरेंसेस ऐसा एक लास्ट में रहता है चैप्टर के एंड में, तो वहां पे ये सब कुछ दिया हुआ है कि 11 गवर्नर की प्रोविंसेस कौन कौन सी थी, 4 चीफ कमिश्नर की प्रोविंसेस कौन कौन सी थी। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड पॉइंट की ओर। अब आगे चल के इन्हें रिप्रेजेंटेशन भी देनी है, तो रिप्रेजेंटेशन कैसे देंगे, देखिए रिप्रेजेंटेशन के लिए क्या किया था इन्होंने, सीट्स दी थी पॉपुलेशन के हिसाब से, एक सीट मिलेगी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, वो एक सीट रिप्रेजेंट करेगी 1 मिलियन पॉपुलेशन को, 1 मिलियन पॉपुलेशन माने 10 लाख लोगों के लिए एक सीट रखी गई थी, ये चीज आपने याद रखनी है। थर्ड पॉइंट आता है कि बहुत अच्छे से जो है कम्युनिटीज को यहाँ पे डिवाइड किया गया था। अब देखिए प्रिंसली स्टेट्स हैं तो इनका तो कंसेप्ट ही अलग है, अब जो ब्रिटिश इंडिया की ये 296 सीट्स थी यहाँ पे ये सीट्स जो है अच्छे से डिवाइड की गई थी 3 कम्युनिटीज के बीच में, कौन कौन सी थी वो कम्युनिटीज, मुस्लिम, सिख्स एंड जर्नल्स। ठीक है ना, तो अभी हमने 3 फीचर्स पढ़े, बुक पे आप देख सकते हैं टोटल 5 फीचर्स हैं, उसके अलावा थोड़ा सा और भी है तो वो सभी हम पढ़ेंगे, बट उससे पहले रिक्वेस्ट है कि वीडियो में जो भी मैं पढ़ा रही हूं समझ आ रहा है तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दें। फोर्थ पॉइंट आता है कि अब देखिए जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, जो संविधान सभा हमारी बनी, वहां पे प्रिंसली स्टेट्स को भी रिप्रेजेंटेशन मिला है, ब्रिटिश इंडिया को भी रिप्रेजेंटेशन मिला है, तो अब ब्रिटिश इंडिया की तरफ से जो मेंबर्स वहां पे आएंगे वो कौन चुनेगा, तो देखिए प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज जो थी उसमें जो मेंबर्स थे वो चुनेंगे संविधान सभा के ब्रिटिश इंडिया सीट्स के लिए मेंबर्स को। ठीक है, अब ये जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज के मेंबर्स थे ये खुद से लिमिटेड फ्रेंचाइजी पे इलेक्ट हुए थे। लिमिटेड फ्रेंचाइज का मतलब क्या है कि हर एक इंसान ने, हर एक इंडियन ने वोट नहीं दिया है, वोट सिर्फ उन्होंने दिया है जो हाईली क्वालिफाइड थे, जिनका एजुकेशनल स्टेटस काफी अच्छा था, या फिर जो बहुत अच्छा टैक्स देते थे, या फिर लैंडलॉर्ड थे, प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा थी, तो एक क्राइटेरिया फिक्स था कि वोट कौन कौन कर सकता है उस टाइम पे, तो उस हिसाब से वोटिंग हुई थी। ठीक है, तो उन लोगों ने वोट दिया था प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स के लिए, और अब वो लोग वोट करेंगे ब्रिटिश इंडिया की जो सीट्स हैं उसके लिए। नाउ वोटिंग जो है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के थ्रू होगी, जैसा कि हमने प्रेसिडेंट के केस में ऑलरेडी मैं आपको पॉलिटी पढ़ा चुकी हूं, है ना, रफ बेसिस पे, तो वहां पे जाकर आप देख सकते हैं, यहां पे पढ़ने लगे तो फिर ये बिल्कुल अलग कंसेप्ट हो जाएगा। नाउ फिफ्थ पॉइंट आता है कि जो रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में प्रिंसली स्टेट्स के, उन्हें कहा गया भाई जो हेड्स हैं प्रिंसली स्टेट्स के, जो राजे हैं, महाराजा हैं, है ना, हेड हैं, वो खुद से चुनेंगे। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं कि जो ब्रिटिश इंडिया की सीट्स हैं उनके लिए इलेक्शंस हो रहे हैं, लेकिन जो प्रिंसली स्टेट्स की सीट्स हैं उसके लिए क्या हो रहा है, उसके लिए यहां पे नॉमिनेशन हो रहा है। तो यहां से हमें एक बात तो समझ में आ गई, दैट इट वाज पार्टली इलेक्टेड एंड पार्टली नॉमिनेटेड बॉडी, कुछ यहां पे सीट्स इलेक्शन के थ्रू भरी गई, कुछ नॉमिनेशन के थ्रू भरी गई। अब हमने क्या पढ़ा कि 296 सीट्स जो हैं वो किसके लिए थी, ब्रिटिश इंडिया के लिए, और जो 93 सीट्स हैं वो थी हमारी प्रिंसली स्टेट्स के लिए। तो देखिए जो प्रिंसली स्टेट्स थी दे डिसाइडेड टू स्टे अवे फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उन्होंने कहा भाई हमें संविधान सभा के झंझट में नहीं पड़ना है, हमें कुछ नहीं करना, हम जैसे चल रहे हैं ठीक है बढ़िया है, तो उन्होंने तो कोई कुछ सीट्स भरी ही नहीं, किसी को नॉमिनेट किया ही नहीं, तो ये 93 सीट्स तो खाली रहती हैं। ठीक है ना, फिर उसके बाद आता है ये हमारे 296 सीट्स का कंसेप्ट, तो इसके लिए प्रॉपर इलेक्शंस हुए, जुलाई अगस्त 1946 में इलेक्शंस हुए, इसमें से आईएनसी 208 सीटें जीत जाती है, 73 मुस्लिम लीग, 15 अदर्स, मतलब जो इंडिपेंडेंट थे अदर्स थे वो सब कुछ। अब देखिए ये जो यहां पे इलेक्शंस हुए सबने पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी उसमें हर एक सेक्शन को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंटेशन दी गई, जैसे कि हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, एंग्लो इंडियंस, वुमेन, इन सबको एक्सेप्ट महात्मा गांधी। अब देखिए जो भी उस टाइम पे बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स थे, दिग्गज थे, उन सब ने जो है कोई ना कोई पोर्टफोलियो संभाला, कोई ना कोई काम संभाला, लेकिन जो महात्मा गांधी थे ना, महात्मा गांधी, इन्होंने कोई सीट नहीं ली, कोई कुछ नहीं लिया, ये सिर्फ देश को आजाद करवाना चाहते थे, ये जो राजसत्ता है, जो भी
पॉलिटिकल काम चलते हैं, पॉलिटिक्स है, इससे इनको कोई मतलब नहीं था। ठीक है, तो फर्स्ट टू पॉइंट्स मैंने बहुत इजीली आपको समझाने की कोशिश की है। फिर भी कोई डाउट रहता है लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। हम पढ़ रहे हैं इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत। हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। चैप्टर नंबर 2 मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हम पढ़ रहे हैं, जिसमें प्रीवियस पार्ट में डिमांड फॉर अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड कॉम्पोजिशन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हम पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे से। आज हम पढ़ेंगे कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, जो ये संविधान सभा थी, इसकी वर्किंग क्या थी उसके बारे में। ठीक है ना, चलिए अब अपनी बुक साथ में खोलिए, जैसे जैसे मैं पढ़ा रही हूं वैसे वैसे सुनते रहें, कोशिश करूंगी हर एक कंसेप्ट को आपको इजीली एक्सप्लेन कर सकूं। अब देखिए संविधान सभा की डिमांड किस तरह सामने रखी गई, कितने कितने मेंबर्स थे वो सब हमने पढ़ा, किस किस को रिप्रेजेंटेशन मिली, एससीज है, एसटीज है, हिंदू मुस्लिम सिख पारसी सबको रिप्रेजेंटेशन मिली। अब हम पढ़ेंगे वर्किंग, कि इन्होंने काम किस तरह से किया। तो देखिए जो पहली संविधान सभा की मीटिंग थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक है ना, नाउ ये जो मीटिंग थी इसको बायकट किया गया था मुस्लिम लीग के द्वारा। क्यों? क्योंकि मुस्लिम लीग की तो एक ही डिमांड थी कि दो संविधान सभा होनी चाहिए, क्योंकि जब दो नेशंस बननी है, पार्टीशन होना है, तो एक संविधान सभा क्यों, है ना। क्योंकि देखिए इनकी डिमांड आती है यहां पे पाकिस्तान की, इसलिए इन्होंने बायकॉट किया इस मीटिंग को। अब क्योंकि इन्होंने बायकट किया, मुस्लिम लीग के मेंबर्स इस मीटिंग में शामिल नहीं हुए, तो ये मीटिंग अटेंड की गई थी सिर्फ और सिर्फ 211 मेंबर्स के द्वारा। अब यहां पे टेम्पररी प्रेसिडेंट बनाया गया डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। क्या जरूरत पड़ी टेम्पररी प्रेसिडेंट बनाने की? तो देखिए एक फ्रेंच प्रैक्टिस होती है जिसमें क्या होता है कि सबसे पहले जब संविधान सभा मिलती है तो सबसे ओल्डेस्ट पर्सन जो होते हैं उनको कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड, थोड़े बहुत टाइम पीरियड के लिए टेम्पररी फॉर्म में प्रेसिडेंट बनाया जाता है। ये चीज आज भी फॉलो की जाती है। तो उस टाइम जो ओल्डेस्ट पर्सन थे वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, इन्हें टेम्पररी प्रेसिडेंट बनाया गया। उसके बाद जब नेक्स्ट मीटिंग होती है तो वहां पे प्रेसिडेंट को चेंज करके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को प्रेसिडेंट बनाया जाता है। अब देखिए संविधान सभा के दो वाइस प्रेसिडेंट थे, एच सी मुखर्जी एंड वी टी कृष्ण मचारी, याद रखना है। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं। आप अपनी बुक में देख रहे होंगे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के ऊपर लंबा चौड़ा जो है एक पैराग्राफ है ना, काफी सारे पॉइंट्स हैं फीचर्स की फॉर्म में, तो वो हमें पढ़ना है। देखिए ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पे तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि ये किसके द्वारा मूव किया गया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। कब? 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है ना, अब ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है इसमें कुछ चीजें थी कि हाँ हमारा संविधान ऐसा होना चाहिए, उसको इस चीज को फॉलो करना चाहिए, तो वो सब था इसमें। यही आगे चल के जो है प्रीएम्बल बनता है, जो हम पढ़ते हैं सोवेरियन रिपब्लिक, वो सब वर्ड्स जो हम पढ़ते हैं वो प्रीएम्बल में हम पढ़ते हैं, जो कि मैं आपको ऑलरेडी इंडियन पॉलिटी जब मैंने बेसिक्स पढ़ाए थे वहां पढ़ा चुकी हूं। नाउ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में कुछ पॉइंट्स हैं जिसमें बताया गया है कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में उस टाइम पे था क्या। ठीक है ना, देखिए मैं एक फिलॉसफी जो है पूरे संविधान के ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के अंडर है। अब पहला पॉइंट बोलता है कि इसके साथ इंडिपेंडेंट होने के साथ, इंडिपेंडेंस एक्ट जो हमारा पास हुआ उसके बाद हम बन जाएंगे इंडिपेंडेंट सोवेरियन रिपब्लिक। इंडिपेंडेंट माने स्वतंत्र, सोवेरियन माने किसी फॉरेन कंट्री का हम पे इन्फ्लुएंस नहीं होगा, है ना, प्रभुसत्ता होगी। रिपब्लिक मतलब हमारा एक हेड होगा, डेमोक्रेसी होगी प्रॉपर। ठीक है, तो इस तरह से बन जाएंगे हम, जैसा चाहे वैसा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कर सकते हैं, फ्रेम कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट आता है कि टेरिटरीज कौन कौन सी आएंगी। देखिए बुक में बहुत लंबे लंबे पैराग्राफ दिए हैं, जो मैं समझा रही हूं उसे समझिए, उसके बाद बुक पढ़िए, आपको इजिली समझ आ जाएगा। टेरिटरीज का मतलब है कि जो अब इंडियन डोमिनियन बनेगी इसमें कौन कौन से एरियाज आएंगे। तो ब्रिटिश इंडिया के जो भी है वो सब आएंगे इंडिया में, प्रिंसली स्टेट्स सब आएंगी, पर विलिंगली जो भी, विलिंगली अपनी इच्छा से जो भी इंडियन डोमिनियन में मिलना चाहता है मिल सकता है, प्लस किसी टाइम पे अगर एक्वायर करता है इंडिया किसी आउटसाइड पार्ट को तो वो भी इंडिया का पार्ट बन जाएगा, ये सब इसमें लिखा है। नाउ थर्ड पॉइंट है, बहुत ही अलग सी लैंग्वेज यहाँ पे यूज की गई है, तो मैं उसका आपको उसका सिंपल सा मीनिंग समझाती हूँ कि उसमें बोलना क्या चाह रहे हैं। देखिए जो संविधान सभा है वो क्या करेगी, सारी यूनिट्स की बाउंड्रीज डिफाइन कर देगी कि हाँ जी आपकी बाउंड्री यहां तक है। होता है ना कि दो स्टेट्स होती हैं तो उनकी बाउंड्री कहां तक डिमार्केटेड होती है, वो डिमार्केशन करेगी। उसके बाद उन यूनिट्स को ऑटोनॉमस यूनिट्स बनाएगी, मतलब वो जैसे चाहे अपने क्षेत्र में अपने एरिया में रूल कर सकते। हाँ कुछ लॉ एंड ऑर्डर है आपको मेंटेन करना होगा, किसी के साथ गलत नहीं कर सकते, भेदभाव नहीं कर सकते, डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, बहुत चीजें हम अभी पढ़ेंगे, लेकिन उनको ऑटोनॉमस बनाया गया तो वो अपने एरिया में खुद से शासन करेंगी, लेकिन कंट्रोल सेंटर का ही होगा एक तरह से। ठीक है ना, कोई गलत चीज नहीं कर सकती, तो समझना ओवरऑल कंट्रोल सेंटर का होगा बट ऑटोनॉमस यूनिट उसे बनाया जाएगा।
अब यही यूनिट्स आगे चल के स्टेट्स बनते हैं, यूटीज बनते हैं, ठीक है ना। उस टाइम पे स्टेट्स एंड यूटीज का तो कोई कंसेप्ट था नहीं, ये चीजें तो धीरे धीरे आई हैं, है ना। फोर्थ पॉइंट आता है कि जो पावर एंड अथॉरिटी है, कैसी पावर एंड अथॉरिटी की, हमारा इंडिया कैसा होगा, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा, वो लोगों से, आम जनता से डिराइव की गई, क्योंकि आम जनता ने संविधान सभा के मेंबर्स को चुना, वही मेंबर्स आगे सब कुछ जो है वो डिफाइन कर रहे हैं। फिफ्थ पॉइंट बोलते, देखिए सारे इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट बेसिक्स आपको पता होना चाहिए, कहीं पर अगर इसका जिक्र होता है, क्वेश्चन आता है, तो आप कुछ लिख सके। यहां पे गारंटी दी जाती है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के थ्रू कि जितने भी लोग हैं इंडिया में उनको जस्टिस प्रोवाइड करवाया जाएगा, चाहे वो सोशल लेवल पे है, इकोनॉमिक लेवल पे है, पॉलिटिकल लेवल पे है, एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करवाई जाएगी, ठीक है ना। सेफगार्ड्स, देखिए जो भी कहते हैं ना पिछड़े दबके हैं उनको आगे आने का अवसर दिया जाएगा, तो माइनॉरिटीज है, बैकवर्ड क्लासेस है, ट्राइबल एरियाज में जो ट्राइब्स रहती है उन सबको जो है आगे आने का मौका दिया जाएगा। सेवन्थ पॉइंट आता है कि मेंटेन करेंगे इंटीग्रिटी, ठीक है ना। इंटीग्रिटी का मतलब है कि सभी जो हैं, इंटीग्रिटी आप समझते ना, एक एक साथ मतलब होना, जुड़े रहना, तो वो चीज होगी, चाहे लैंड एरिया है, सी एरिया है, वाटर वाला, एयर वाला एरिया, एयर वाला एरिया, तो ये सारे जो है इंडिया के अंडर रहेंगे, जो भी इंडिया के टेरिटरी में पड़ते हैं आसपास, ठीक है। सोवेरियन राइट्स होंगे इसके ऊपर, हमारे अपने राइट्स होंगे, ठीक है, किसी बाहर के, सोवेरियन मतलब प्रभुसत्ता, हमारा अपना है, किसी का इन्फ्लुएंस नहीं है हमारे ऊपर। एट्थ पॉइंट आता है कि अब से हम कंट्रीब्यूट करेंगे टुवर्ड्स प्रमोशन ऑफ वर्ल्ड पीस एंड वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, लोगों की भलाई के लिए, वर्ल्ड में शांति बनी रहे इसलिए, ठीक है ना। अब ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था, सोचने वाली बात है कि बिना किसी के ऑपोजिशन के अननिमसली अडॉप्ट किया गया था 22 जनवरी 1947 को, ठीक है, किसी ने इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं किया, जैसे था वैसा एज इट इज अडॉप्ट किया गया, और प्रीएम्बल बनता है ये आगे चल के, ठीक है ना। अब हम आगे क्या पढ़ेंगे, इंडिपेंडेंस एक्ट के अंडर कुछ चेंजिंग्स किए गए थे, तो क्या थे वो चेंजेस, देखिए टाइम के साथ कुछ ना कुछ चेंजिंग्स होते रहते हैं, तो यहाँ पे तीन इंपॉर्टेंट चेंजिंग्स के बारे में हम पढ़ेंगे। नाउ देखिए, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में पास हुआ था, जिसे कहा गया, जिसमें कि दो हम जो इंडिया है उसको, उसका पार्टीशन करेंगे, दो डोमिनियंस में डिवाइड करेंगे, ये सब कुछ हमने पढ़ रखा है। नाउ इस टाइम तक क्या हुआ, जितने भी प्रिंसली स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव थे, जो अभी तक दूर दूर रह रहे थे कि हमें नहीं संविधान सभा का मेंबर बनना, हमारी तो पावर चली जाएगी, हमारी तो रुतबा, हमारी पोस्ट, एक तरह से हम राजा हैं, इतनी लग्जरियस लाइफ जीते हैं, हमारे अंडर इतना एरिया है, वो सब चला जाएगा, इस डर से वो संविधान सभा में नहीं मिलते थे। लेकिन अब उनको जरूरत फील हुई कि तो सच में अब इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, राजा वाला शासन खत्म होने वाला है, तो हमें या तो इंडिया या तो पाकिस्तान में जाना पड़ेगा। तो उन्होंने फिर जो है धीरे धीरे इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो उनकी सीट्स थी, वहां पर रिप्रेजेंटेटिव्स भेजने स्टार्ट कर दिए थे, ठीक है ना। सो इस तरह से धीरे धीरे 28 अप्रैल 1947 तक रिप्रेजेंटेटिव जो थे 6 स्टेट्स के, वो असेंबली के पार्ट बन गए थे। उसके बाद जो है एक्सेप्ट किया गया माउंटबेटन प्लान को, जो 3 जून 1947 को आया था, पार्टीशन हुआ कंट्री का। तो जितनी भी प्रिंसली स्टेट्स थी ऑलमोस्ट सभी ने संविधान सभा में अपनी सीट्स ले ली थी, क्योंकि हमने पढ़ा था ना उनको ऑलरेडी जो है 93 सीट्स दी गई थी, लेकिन उन्होंने ली नहीं, उन्होंने मना की थी। अब उन्होंने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजने स्टार्ट कर दिए थे। मुस्लिम लीग के वो मेंबर्स जो इंडियन डोमिनियन के ही थे, वो फटाफट से इंडिया की संविधान सभा में मिल गए थे आके, जो भी उनकी सीट्स थी, ठीक है ना। पहले कह रहे थे मुसलमान अलग होंगे अलग होंगे, अब देखिए जो मुस्लिम मेजोरिटी एरिया से सिर्फ वही अलग होंगे, इंडिया में जो और कहीं पर मुस्लिम चाहते हैं उनको थोड़ी अलग करेंगे, है ना। तो वो चीज थोड़ी हुई थी। अब इसके अंदर कुछ चेंजिंग्स हुए। पहला ये हुआ कि जो हमारी संविधान सभा है, वो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, वो फुली सोवेरियन बॉडी बन गई। इंडिपेंडेंस एक्ट आया, हमें इंडिपेंडेंस ग्रांट की गई, उसके बाद में क्या है, हम फुली सोवेरियन हो गए। हमारी जो संविधान सभा है ना, उसके ऊपर भी किसी का इन्फ्लुएंस नहीं रहा, क्योंकि अभी तक क्या था, जो भी ब्रिटिशर्स थे उनका इन्फ्लुएंस रहता था कि आप ऐसा कीजिए वैसा कीजिए, तो यहां पर जो है फुली सोवेरियन बॉडी बन गई थी। सेकेंड पॉइंट आता है, अब आगे चल के असेंबली को जो है दो फंक्शंस दिए गए थे। अब देखिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी क्यों, संविधान सभा बनी क्यों, संविधान बनाने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग के लिए, लेकिन अब उसे एक और फंक्शन दिया गया लॉ मेकिंग का, ऑर्डिनरी सिंपल लॉज बनाने हैं कि क्या सही है क्या गलत है, वैसे लॉज बनाने हैं, ठीक है ना। तो असेंबली अब लेजिस्लेटिव बॉडी भी बन गई, क्योंकि लेजिस्लेटिव का मतलब ही क्या होता है, लेजिस्लेशन, लॉ मेकिंग प्रोसेस, तो अब लेजिस्लेटिव बॉडी भी बन गई। दो सेपरेट फंक्शंस दिए गए, ठीक है ना, संविधान बनाना है साथ में लॉ बनाना है। जब अब देखिए एक साथ में सारा काम नहीं होता, कभी कभी संविधान सभा एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट मेकिंग असेंबली मिलती थी, कभी कभी उनकी मीटिंग एज अ लॉ मेकिंग असेंबली होती थी। तो जब भी वो संविधान बनाने के मतलब से मिलते थे, उनके हेड या उनके चेयरमैन होते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जब भी वो लॉ मेकिंग के काम से जुड़े होते थे, अपने कानून बनाने के काम से मिलते थे, उनके हेड होते थे जीवी मावलांकर। और ये जो दो काम थे ना, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का, लॉ मेकिंग का, ये इसी तरह से ऑल्टरनेट डेज पे चलता रहा। कभी कभी वो संविधान बनाने के काम से मिलेंगे, कभी कभी वो कानून बनाने के काम से मिलेंगे, और यही प्रोसेस रहा हमारा 26 नवंबर 1949 तक।
ठीक है ना। अब देखिए इसके बाद क्या होता है, अभी हम डिस्कस करेंगे, बट पहले यहाँ पे लॉ मेकिंग ये चीज हमारी छूट रही है कि इसी के साथ जो हमारी संविधान सभा थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, इट बिकेम द फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। पार्लियामेंट का काम ही क्या होता है, हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा राज्यसभा, नए नए एक्ट्स लॉज बिल्स पास कराने हैं, रूल्स रेगुलेशंस बनाने हैं, लॉ मेकिंग का काम है ना, यही पार्लियामेंट का काम होता है। तो इस तरह से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है फ्री इंडिया की पहली पार्लियामेंट बनी थी, ठीक है ना। अब 26 नवंबर 1949 को क्या था, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है अडॉप्ट किया गया था, यानी कि संविधान हमारा बन चुका है, जो काम दिया गया था वो कंप्लीट हो चुका है। अब क्योंकि संविधान बनाने का काम कंप्लीट हो चुका है तो इसे साइड में रख दिया गया। अब जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो सिर्फ और सिर्फ रह गई थी लॉ मेकिंग बॉडी। आई होप आपको समझ में आ रहा है, कोई यहाँ पे डाउट नहीं हो। देखिए बहुत सिंपल सी चीजें हैं, एक बार जब हम फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं ना तब टाइम लगता है, जब दूसरी बार पढ़ेंगे तब तो आपको बहुत ईजी लगेगा। कुछ कुछ चीजें याद रखने वाली होती है, जैसे आप न्यू हैं अगर, कि टेम्पररी प्रेसिडेंट कौन थे, प्रेसिडेंट कौन थे, पहली संविधान सभा की मीटिंग कब हुई, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसने मूव किया। लेकिन जब आप एक्सपर्ट हो जाते हैं, तीन चार बार पढ़ चुके होते हैं, तो आपको ये बिल्कुल बेसिक चीज लगती है, ठीक है ना। चलिए अभी हमारा टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी हमें थर्ड पॉइंट पढ़ना है कि इंडिपेंडेंस एक्ट में क्या चेंज किया गया, कुछ और फंक्शंस परफॉर्म किए गए, नेशनल एंथम, नेशनल फ्लैग, वो सब कब अडॉप्ट किया गया, वो सब अभी हमें पढ़ना है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप नोट्स मेकिंग में बिलीव करते हैं तो आप नोट्स जरूर बनाएं, बाकी अपनी आपकी कंप्लीटली अपनी चॉइस है। क्योंकि देखिए एम लक्ष्मीकांत सर की बुक है, बहुत मोटी बुक है, मैं कोशिश कर रही हूँ कि 4, 5, 6, 7 जितने पेजेस में हो सके हमारे शॉर्ट नोट्स बने। फर्स्ट चैप्टर इंपॉर्टेंट था एक्ट्स का, तो उसमें मैंने कुछ स्किप नहीं होने दिया नोट्स में। अभी धीरे धीरे हम जैसे जैसे आगे जाएंगे, जैसे हम फंक्शंस पे जाएंगे कि सेलेंट फीचर्स क्या है, क्रिटिसिज्म क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो उसमें हम नोट्स और भी शॉर्ट कर देंगे, जहां जरूरत है वहां तो लेबोरेटिव नोट्स बनाने पड़ेंगे, है ना। चलिए अब चलते हैं सीधे अपने नेक्स्ट पेज की ओर। थर्ड पॉइंट क्या आता है कि मुस्लिम लीग के जो मेंबर्स थे, जो उन एरिया से बिलोंग करते थे जो कि पाकिस्तान के अंडर अब आना था, ठीक है ना, मुस्लिम लीग के वो मेंबर्स जो उन एरिया से बिलोंग करते थे जो पाकिस्तान के अंडर आना था, उन्होंने इस टाइम पे विड्रॉ कर लिया। क्योंकि अब उनको पता है पाकिस्तान की अलग संविधान सभा बनेगी जिसमें हमें पार्टिसिपेट करना है। तो अब देखिए पाकिस्तान के अंडर एरियाज हम बोल सकते हैं, जो बलूचिस्तान है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस है, सिलहट डिस्ट्रिक्ट है असम का, फिर आपका वेस्ट बंगाल जो कि आज के डेट में वेस्ट बंगाल है लेकिन वो पहले क्या था, पाकिस्तान के अंडर था, है ना, ईस्ट पाकिस्तान था। तो वैसे वैसे करके जो है सबने यहाँ पे, वेस्ट पंजाब है आपका, है ना, तो सबने यहाँ पे विड्रॉ कर लिया। तो जिसकी वजह से स्ट्रेंथ क्या होती है, 389 से हो जाती है 299, क्योंकि जिन्होंने छोड़ दिया उनकी सीट्स भी कट हो गई, तो संविधान सभा की स्ट्रेंथ भी कम हो गई, ठीक है ना। अब देखिए बहुत सारे और लोगों ने भी, जैसे कुछ ने इंक्लूड हुए, कुछ ने विड्रॉ किया, जैसे इंडियन प्रोविंसेस थी, ब्रिटिश प्रोविंसेस, उनकी सीट्स भी रिड्यूस हुई। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश प्रोविंसेस का कुछ पार्ट तो पाकिस्तान में जाना था, ऐसे करके सीट्स जो है काफी रिड्यूस हो गई। उसके लिए एक टेबल दिया गया है बुक में, वो आप देख सकते हैं। इस पॉइंट में सिर्फ इतना ही है याद रखने वाला, ठीक है ना। चलिए अब आप देख रहे होंगे अदर फंक्शंस परफॉर्म्ड करके एक छोटा सा सेक्शन है, बिल्कुल ऐसे बेकार सा सेक्शन लग रहा है ना, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात इसी में है, ठीक है। चलिए फर्स्ट पॉइंट आता है, अब देखिए इसमें क्या हुआ कि संविधान तो बना ही रहे थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा, संविधान तो बना ही रही थी, साथ में ऑर्डिनरी लॉज भी बना रही थी, लेकिन उसके साथ में कुछ और भी फंक्शंस उन्होंने परफॉर्म किए, तो वो आते हैं इधर अदर फंक्शंस परफॉर्म्ड में। पहला है रेटिफाइड इंडियाज मेंबरशिप ऑफ द कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ बना था, जो भी ब्रिटिशर्स की कॉलोनीज थी उन सबका ग्रुप था, तो अब इंडिया यहाँ पे चाहता तो उससे अलग भी हो सकता था, लेकिन इंडिया ने कहा कि नहीं, हम इसके साथ ही रहेंगे, ठीक है। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, नेशनल फ्लैग, तिरंगा झंडा कब अडॉप्ट किया गया, 22 जुलाई 1947 को। नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग, नेशनल एंथम क्या है, जन गण मन, नेशनल सॉन्ग क्या है, वंदे मातरम, तो ये दोनों कब अडॉप्ट किए गए, 24 जनवरी 1950 को। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कब बनाए गए, वो भी यहाँ पे देखिए डेट लिखिएगा, 24 जनवरी 1950 को ही फर्स्ट प्रेसिडेंट इंडिया के बनाए गए थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है ना। तो ये कुछ और फंक्शंस थे जो संविधान बनाने और लॉ बनाने के अलावा हमारी संविधान सभा ने परफॉर्म किए थे, ठीक है। सो इन ऑल अब जो सेशंस हुए टोटल जिसमें संविधान सभा मिली, वो थे टोटल 11 सेशंस, 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे इस पूरे के पूरे संविधान को बनाने में, ठीक है। 60 कंट्रीज का जो संविधान था उनको स्टडी किया गया, उसके बाद में संविधान बनाया गया, ठीक है। 114 डेज का पूरा ड्राफ्ट बनने को इतना टाइम लगा, 64 लाख रुपीज खर्चा आया। अब देखिए 1949 की बात हो रही है, जब 64 लाख खर्चा आ रहे हैं तो आज के डेट में कितना खर्चा आया होगा, है ना। फाइनल सेशन जो है 24 जनवरी 1950 को हुआ था। अब इसी दिन फाइनल सेशन पे आपका नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग एंड फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चुने गए थे, ठीक है ना। अब देखिए लास्ट हमारा फाइनल सेशन यानी लास्ट सेशन हो गया 24 जनवरी 1950 को, मतलब हमारी जो संविधान सभा है उसे डिसॉल्व हो जाना चाहिए, संविधान तो बन गया जिस पर्पज से वो बनाई गई थी, लेकिन
वो भी डिसॉल्व नहीं होती है, वो प्रोविजनल पार्लियामेंट की तरह वर्क करना स्टार्ट करती है। हमने पढ़ा ना कि हमारी फ्री इंडिया की फर्स्ट पार्लियामेंट थी हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, क्योंकि उसे लॉ मेकिंग का काम दिया गया था और जो भी लॉ मेकिंग का काम करता है उसे हम पार्लियामेंट कहते हैं। स्टेट फॉर्म में हम उसको लेजिस्लेचर बोल देते हैं, विधानसभा हो गई हमारी, विधान परिषद हो गई, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल हो गई। नहीं आपको ये टर्म्स पता, कोई बात नहीं, जस्ट आप सुनते रहिए, थोड़ा थोड़ा सर्च करते रहिए, थोड़ा थोड़ा हम जैसे आगे तक चलेंगे आपको हर एक चीज समझ आती रहेगी, ठीक है ना। नाउ अब 24 जनवरी 1950 को काम खत्म हो गया, तो अब क्या करेंगे। 26 जनवरी 1950 से मई 1952 तक इन्होंने प्रोविजनल पार्लियामेंट की तरह वर्क किया। अब देखिए संविधान बन गया तो लॉ मेकिंग का काम ऐसे तो नहीं छोड़ सकते, कब इलेक्शंस होंगे, कब और मेंबर्स चुने जाएंगे, कब वो आएंगे, कब वो वर्किंग संभालेंगे, तब तक कुछ तो करना था। वैसे भी हम अभी अभी इंडिपेंडेंट हुए थे तो अभी तो बहुत जरूरत थी इन सब चीजों की। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे इन्हें ही कहा गया कि आप एज ए प्रोविजनल पार्लियामेंट वर्क करो जब तक कि नई पार्लियामेंट नहीं बनती है। तो जी देखिए इलेक्शंस हमारे 1952 में, फर्स्ट जनरल इलेक्शंस 1951-52 में हुए थे, उसके बाद मई 1952 में पहली पार्लियामेंट बैठी और उसके बाद से जो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी ये डिसॉल्व हो गई, ठीक है ना। हम पढ़ रहे थे इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत, चैप्टर बाय चैप्टर मैं आपको पढ़ा रही हूं। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 व्हिच इज द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए कुछ पार्ट्स में मैंने चैप्टर को डिवाइड किया है। इससे पहले डिमांड हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए, उसका कॉम्पोजिशन, उसकी वर्किंग हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो आज के वीडियो में हमें जो सब टॉपिक्स कवर करनी है वो है कमेटीज कौन कौन सी थी संविधान सभा की, एनेक्टमेंट एंड एनफोर्समेंट, राइट। तो चलिए जो जो मैं पढ़ा रही हूं ध्यान से सुनते रहिएगा, यहां पे मैं आपको थोड़ा शॉर्ट जो नोट्स हैं उनके थ्रू पढ़ाऊंगी। नाउ कमेटीज, जब संविधान सभा की बात आती है तो हम जानते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी है, हम जानते हैं स्टीयरिंग कमेटी है, इसके हेड कौन होते हैं हम ये पढ़ते हैं, ठीक है ना। बट ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो मीटिंग्स हैं या फिर जो ये कमेटीज हैं ये क्यों बनाई गई थी, क्वेश्चन आपका यहां से उठता है। तो संविधान सभा में बहुत सारी कमेटीज बनाई गई ताकि अलग अलग टास्क जो है संविधान को बनाने के उनको कवर अच्छे से किया जा सके। इसमें से आपकी 8 जो है वो मेजर कमेटीज थी, बाकी जो है माइनर कमेटीज थी। नाउ माइनर कमेटीज कौन कौन सी थी, आपकी बुक में माइनर कमेटीज करके सब हेडिंग दिया हुआ है, उसके अंदर बहुत सारी हैं, आप उनको देख सकती हैं, एक बार रीड करना जरूरी है, बाकी याद करने की जरूरत नहीं है अगर आप यूपीएससी परस्पेक्टिव से पढ़ रहे हैं। अगर आप जो है पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए तैयारी कर रहे हैं तो हाँ भाई वहां पे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना, क्योंकि वहां पे फैक्चुअल पॉइंट्स को वो ज्यादा उठाते हैं। सेकेंडली अगर हम बात करें हमारी मेजर कमेटीज यहां पे रह जाती हैं, तो मेजर कमेटीज कौन सी हैं वो हम पढ़ेंगे। टोटल 8 हैं तो हर एक मेजर कमेटी का तो मैंने यहां पे जिक्र नहीं किया है, राइट। लेकिन जो भी इंपॉर्टेंट है जहां पे एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो मैं आपको बता देती हूं। यूनियन पावर कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, जहां भी यूनियन यूनियन आएगा वहां पे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। स्टीयरिंग कमेटी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ड्राफ्टिंग कमेटी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जिसके बारे में बहुत अच्छे से इस कमेटी के बारे में हम पढ़ेंगे। अब आप सोचेंगे यहां पे मैंने हर एक कमेटी का जिक्र क्यों नहीं किया है, तो देखिए बुक में आपका लिखा हुआ है, सेम ही चीज नोट्स में लिखने का क्या फायदा, राइट। तो उस केस में जो इम्पोर्टेंट थी मैंने यहां पे लिखा है, बाकी आप अपनी बुक्स रेफर कर सकते हैं, मुझे नहीं लगता इस मैसेज बहुत ज्यादा कुछ समझाने की जरूरत है, फाइन। नेक्स्ट हमारा आता है ड्राफ्टिंग कमेटी। अब देखिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ड्राफ्टिंग कमेटी। ओके, सो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कमेटी थी, जितनी भी कमेटीज थी संविधान सभा की मेजर कमेटी में से एक है, यहां पे आप देख सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी ये थी, ठीक है ना, ये आपकी बनी थी 29 अगस्त 1947 को, ठीक है। इस कमेटी को काम दिया गया था, इट वॉज एंट्रस्टेड विद द टास्क ऑफ प्रिपेयरिंग अ ड्राफ्ट ऑफ द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। नया जो संविधान होगा उसके लिए ड्राफ्ट बनाने का काम इन्हें दिया गया था। टोटल इसमें कितने मेंबर्स थे, 7 मेंबर्स थे, हेड या चेयरमैन कह लीजिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी थे, उसके अलावा एन माधव राव है, जिन्होंने ही रिप्लेस्ड बी एल मित्तल। क्यों किया था, क्योंकि इनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं रह रही थी तो फिर इन्होंने रिप्लेस किया था एन माधव राव ने। फिर आता है टी टी कृष्णमाचारी, इन्होंने रिप्लेस किया था डीपी खेतान को, वो भी कुछ रीजन से आप अपनी बुक में देख सकते हैं। यहां पे पूरी एन गोपाल स्वामी अय्यर, डॉक्टर के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सदुल्लाह, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, तो ये सारे मेंबर्स थे ड्राफ्टिंग कमेटी के। अब देखिए जो छोटे एग्जाम्स से सुपरिटेंडेंट हो गया, टीचिंग हो गया, इस तरह के जो एग्जाम्स होते हैं क्लरिकल लेवल का हो गया, वहां पे ना इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं कि 4 आपको ऑप्शंस दिए हैं तो इनमें से कौन सा जो है वो ड्राफ्टिंग कमेटी का मेंबर नहीं था। और ये जिस टाइम मैं एग्जाम देती थी उस टाइम की बात करूं, ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है ना। तो आपने थोड़ा सा रटना नहीं, याद नहीं करना, बस पढ़ लें आप इन्हें, ताकि अगर आपके पास इनमें से कोई एक ऑप्शन में नहीं है तो आप उसे आइडेंटिफाई कर सकें, बस इतना सा करना है, ठीक है ना।
अब उसके बाद ड्राफ्टिंग कमेटी ने क्या किया, बहुत सारी कंसिडरेशन लिए, प्रपोजल्स लिए अलग अलग कमेटीज के और अपना पहला ड्राफ्ट बना के, ड्राफ्ट का मतलब है रफ सा जो है कि हमारा संविधान कैसा होगा, पहला ड्राफ्ट बना के तैयार कर दिया। कब तैयार किया, फरवरी 1948। अब देखिए याद करने की जरूरत नहीं, हाँ हल्का सा फरवरी 1948। उसके बाद सेकेंड ड्राफ्ट कब आया, वैसे आप हल्का सा देख लें, बाकी बहुत डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो पहला ड्राफ्ट यानी पहला रफ कॉन्स्टिट्यूशन फरवरी 1948 में बनके तैयार हुआ। फिर उसके ऊपर डिस्कशन हुई, सबने अपने अपने प्रपोजल्स दिए कि नहीं ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, बहुत सारी अमेंडमेंट्स हुई। उसके बाद लोगों ने कमेंट किया, क्रिटिसाइज किया, सजेशंस दिए और उसके बाद से सेकेंड ड्राफ्ट आया हमारा। सेकेंड ड्राफ्ट आया अक्टूबर 1948 में। तो इसके ऊपर जो डिस्कशंस चली, प्रपोजल्स चले, अमेंडमेंट्स हुई, सबको 8 महीने लग गए। फिर सेकेंड ड्राफ्ट दिया गया अक्टूबर 1948 में, ठीक है ना। अब इन्होंने क्या किया, टुक लेस देन 6 मंथ्स टू प्रिपेयर इट्स ड्राफ्ट। जो पहला ड्राफ्ट था, पहला रफ जो एक तरह से पेपर था जिसपे इन्होंने पूरा सब कुछ तैयार किया था कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट, तो उसके लिए इन्होंने 6 महीने से भी कम टाइम लिया था, ठीक है ना। तो हमने क्या पढ़ा, कमेटीज पढ़ी संविधान सभा की, क्यों बनाई गई थी, अलग अलग काम के लिए अलग अलग कमेटी बनाई गई थी, टू डील विद द डिफरेंट टास्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग। उसके बाद हमने पढ़ा मेजर कमेटीज होती हैं, माइनर कमेटीज होती हैं, फिर मेजर कमेटी में एक आती है ड्राफ्टिंग कमेटी, उसके बारे में पढ़ा। आई होप आपको समझ में आ रहा है मैं क्या पढ़ा रही हूं, ठीक है ना। नाउ देखिए लाइन बाय लाइन मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो अगर आप चाहें वीडियो के साथ में नोट्स बना सकते हैं, अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्हें नोट्स बनाना पसंद है, नोट्स से पढ़ना पसंद है। अगर थोड़े आलसी नेचर के हैं, नोट्स नहीं बना सकते, तो अपनी बुक में ही हाईलाइट करते चलें, क्योंकि बुक से ऑलमोस्ट मैं लाइन बाय लाइन पढ़ा ही रही हूं, है ना। तो आपके लिए काफी बेनिफिशियल वो हो सकता है। चलिए इसी के साथ, वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन पे फटाफट से प्रेस कर दें, लाइक करें और चलिए सीधे चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की ओर। अब देखिए हमने पढ़ा कमेटीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब इसके अलावा दो और सब टॉपिक्स भी हमें पढ़नी है, जो कि है इनेक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड एनफोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए बहुत ही सिंपल है, हाँ मैंने यहाँ पे नोट्स थोड़े से हैवी बनाए हैं क्योंकि आपको मुझे लाइन बाय लाइन समझाना है, ठीक है ना। मैं आपको बता दूंगी यहाँ पे आपको क्या स्किप करना है और क्या लिखना है अपने नोट्स में। नाउ इनेक्टमेंट की बात करें तो B.R. अंबेडकर जी ने अपना फाइनल ड्राफ्ट, देखिए फर्स्ट ड्राफ्ट किया, फिर सेकेंड ड्राफ्ट पेश किया, हमने पढ़ा ना कि अक्टूबर 1948 में उन्होंने अपना सेकेंड ड्राफ्ट पेश किया था। तो इस तरह से फाइनल ड्राफ्ट हो गया, पूरा तैयार हो गया। उसके बाद जो फाइनल ड्राफ्ट था वो संविधान सभा में इंट्रोड्यूस किया B.R. अंबेडकर जी ने, जो कि फर्स्ट रीडिंग के लिए गया। फर्स्ट रीडिंग के लिए गया मतलब कि उसमें बहुत सारे डिस्कशंस होंगे कि आप इसे कैसे सुधार सकते हैं, क्या इसमें किसी चेंजिंग की जरूरत है, सबने अलग अलग प्रपोजल्स दिए। तो ये सब चीज स्टार्ट हुई आपकी नवंबर 4, 1948 से। 5 दिन तक डिस्कशन चली, मतलब 5 जमा 4 9 कर लो, है ना, सब कुछ याद नहीं करना, थोड़ा सा लॉजिक भी लगा लेना। 9 नवंबर 1948 तक ये मीटिंग चली। अब याद नहीं रखनी ये डेट, है ना, हल्का सा आप समझ लें सीक्वेंस के कैसे कैसे हो रहा है, बाकी हर एक डेट याद नहीं करनी। चलिए फर्स्ट रीडिंग हो गई, अब होगी सेकेंड रीडिंग। सेकेंड रीडिंग में क्या होगा, क्लॉज बाय क्लॉज कंसिडरेशन, हर एक चीज को बहुत अच्छे से पढ़ा जाएगा, समझा जाएगा, अमेंडमेंट की जरूरत है तो दी जाएगी। देखिए एक चीज समझ लें, जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे बहुत ही पढ़े लिखे लोग थे, लॉयर्स थे, पॉलिटिशियंस थे। ये कंसेप्ट हम नेक्स्ट टॉपिक में यानी नेक्स्ट वीडियो में भी पढ़ेंगे कि क्रिटिसाइज किया गया था संविधान सभा को, ये कहा गया था कि वहां पे मैक्सिमम जो है पॉलिटिशियन एंड लॉयर्स ही थे। तो देखिए अब लॉयर्स हैं तो वो ज्यादा अच्छे से जानते हैं कानून को, उन्होंने स्टडी की है इसके बारे में, तो वो ज्यादा अच्छे से यहां पे चेंजिंग्स ला सकते थे, ठीक है ना। तो हर एक क्लॉज को पढ़ा गया, समझा गया और ये मीटिंग्स यानी सेकेंड रीडिंग जो है वो नवंबर 15 1948 से स्टार्ट होकर अक्टूबर 17 1949 ऑलमोस्ट 1 साल तक ये प्रोसेस चला, ठीक है ना। यानी कि हर एक चीज को पढ़ना क्लॉज बाय क्लॉज, फिर उसको सही करना, तो कितना टाइम लगा होगा इसमें, ऑलमोस्ट 7,653 7,500 के अराउंड अमेंडमेंट्स भी हुए थे, बहुत सारे डिस्कशंस हुई थी और लास्ट में जो है फिर ठीक है थर्ड रीडिंग के लिए अप्रूव किया गया। थर्ड रीडिंग हुई नवंबर 14, 1949 को, ठीक है ना। उसके बाद फिर ये फाइनली पास किया गया नवंबर 26, 1949 को। अब प्रीएम्बल में जो डेट मेंशनड है वो है 26 नवंबर 1949। हम क्या पढ़ते हैं 26 जनवरी 1950 हमारा क्या है, कौन सा डे है हमारा, ये गणतंत्र दिवस माना जाता है, हमारा रिपब्लिक डे मनाया जाता है, ठीक है ना। तो जिस टाइम पे ये पास हुआ, क्या हमारा फाइनल जो ये कॉन्स्टिट्यूशन पास हुआ, 299 टोटल मेंबर्स थे, उनमें से 284 प्रेजेंट थे, ठीक है, और ये पास हुआ 26 नवंबर 1949 को। अब क्या कंसेप्ट है, एक तो आता है 26 नवंबर 1949, एक आता है 26 जनवरी 1950। दोनों का कंसेप्ट समझाऊंगी, आज ही समझाऊंगी, एनफोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में वो चीज पढ़ेंगे, फिलहाल के लिए आप छोड़ दें। हमारे संविधान में जो डेट मेंशन है जिस टाइम पे हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया वो है नवंबर 26, 1949। ओके, नाउ द कॉन्स्टिट्यूशन इज अडॉप्टेड ऑन दिस डेट, जिसमें एक प्रीएम्बल था, 395 आर्टिकल्स थे और 8
सॉरी 8 शेड्यूल्स होंगे यहाँ पे, नॉट 6, 8 शेड्यूल्स थे, तो इसको आप करेक्ट करें, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा डार्क कर देती हूँ, 8 शेड्यूल्स थे, चलिए ये भी हो गया। अब इसके बाद देखिए, इसमें बहुत सारे जो है, द प्रीएम्बल वॉज इनेक्टेड आफ्टर द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन वॉज ऑलरेडी इनेक्टेड, ठीक है ना, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया उसके बाद में प्रीएम्बल का काम हुआ। और जो बी आर अम्बेडकर जी हैं, ठीक है ना, जिन्हें फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, बहुत ही जाने मानी पर्सनैलिटी थी, इन्होंने अनटचेबिलिटी के लिए बहुत काम किया। मैंने आपको बताया भी है, कोई अगर हिस्ट्री ऑनर्स कर रहा है, अंडरस्टैंडिंग अम्बेडकर एक बुक आती है, बहुत ही अच्छे से वहां पर हर एक चीज एक्सप्लेन की हुई है। बस बी आर अम्बेडकर उस टाइम पे क्या थे, लॉ मिनिस्टर थे, ठीक है ना, उन्होंने ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन का काम संभाला, जो कि बहुत ही, मतलब कहते हैं कि टफ काम था, बहुत ही हैवी टास्क था, ठीक है। उन्होंने हर एक, जैसे कोई भी डिस्कशन होती है तो वहां पे अगर कोई भी क्वेश्चन उनसे पूछा जाता था, बहुत लॉजिकल वे में उसका आंसर देते थे, बहुत आर्ग्यूमेंट्स उनके बहुत ही मतलब लॉजिकल होते थे, ठीक ना, फैक्टफुल होते थे। फिर उन्होंने, उन्हें जो है फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का नाम दिया गया, चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का टाइटल दिया गया, तो ये सब चीजें हैं, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट हमारा आता है एनफोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो मैंने आपको कहा ना कि ये जो 26 नवंबर 1949 वाला कंसेप्ट है, हम यहां पे पढ़ेंगे, बिल्कुल हम यहां पे पढ़ेंगे। तो देखिए क्या हुआ, 26 नवंबर 1949 को सबने साइन कर दिए, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया, ठीक है, हमारे संविधान में भी यही डेट मेंशन है, हमारे सॉरी नॉट इन संविधान बट इन द प्रीएम्बल, विच इज द, जो हम पढ़ते ना प्रीफेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, जैसे हम बुक लेते हैं, बुक में इंडेक्स दिया होता है चैप्टर नंबर 1 यहां से यहां तक, वैसे ही प्रीएम्बल एक इंटरफेस, एक इंट्रोडक्शन है हमारे संविधान के लिए। तो हमारे प्रीएम्बल में 26 नवंबर 1949 की डेट मेंशन है। तो अब देखिए हुआ क्या, अब आप ध्यान से सुनिएगा, ये 26 नवंबर का कंसेप्ट क्या है। बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस थे जो 26 नवंबर 1949 को ही स्टार्ट हो गए, इंप्लीमेंट हो गए, क्यों, क्योंकि इस दिन ये फाइनली पास हुआ था, 284 मेंबर्स थे एंड ऑल दैट, ठीक है, हो गया पास, ठीक है, हमारे प्रीएम्बल में भी यही डेट मेंशन है। अब बहुत सारे प्रोविजंस जो कि सिटीजनशिप, इलेक्शंस, प्रोविजनल पार्लियामेंट, ट्रांजिशनल प्रोविजन, बहुत सारे शॉर्ट टाइटल, तो बहुत सारी चीजें इसी टाइम पे इंप्लीमेंट हुई, लेकिन सभी नहीं, सभी नहीं, जो बाकी थी वो 26 जनवरी 1950 को जो है इंप्लीमेंट करवाई गई, ठीक है ना। इसे डेट ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी जिस टाइम पे प्रॉपरली अडॉप्ट किया गया वो डेट भी माना जाता है, और इसी दिन हम रिपब्लिक डे मनाते हैं, क्यों, लेकिन तो हमें तो ये पढ़ना था कि 26 नवंबर 26 जनवरी का कंसेप्ट क्या है। तो देखिए 26 जनवरी का बड़ा हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है, यहां पे हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है, कैसे, अब देखिए 26 जनवरी 1930 को ये, मतलब पहले 1929 में आई थिंक कराची सेशन हुआ था, उस टाइम पे लाहौर सेशन हुआ था, तो लाहौर सेशन में ये चीज डिसाइड की गई थी कि हम 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज डे सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन हमें तो इंडिपेंडेंस मिली नहीं, हमें तो स्वतंत्रता मिली नहीं, तो उस केस में क्या हुआ, फिर ये सोचा गया कि चलो अभी नहीं हुआ कोई बात नहीं, लेकिन जब भी इन फ्यूचर हमें इंडिपेंडेंस मिलेगी, या फिर हम जब अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, कुछ भी करेंगे, तो 26 जनवरी को कुछ ना कुछ करेंगे, क्योंकि ये एक होता है ना कि हिस्टोरिकल डे बन गया, ऐतिहासिक दिन बन गया, तो इसको सेलिब्रेट करना है जैसे तैसे करके, ठीक है जी। अब हमें स्वतंत्रता में तो मिल गई 15 अगस्त 1947 को, तो मतलब जनवरी तो जा चुका था, अगला जनवरी आने में बहुत टाइम था, तो क्या हम अगले जनवरी तक वेट करते इंडिपेंडेंस के लिए, नहीं नहीं, ब्रिटिशर्स बहुत मुश्किल से तो यहां से जा रहे थे, अब जा रहे थे, उनको जाते जाते हम रोकते कि नहीं नहीं थोड़ा टाइम और रूल कर लो, नहीं वो गए, ठीक है, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास हुआ, हमें इंडिपेंडेंस मिली, लेकिन फिर ये सोचा गया कि चलो 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनके तैयार हो गया, कोई बात नहीं, अभी हम जनवरी तक वेट कर सकते हैं। तो उन्होंने 26 जनवरी 1950 तक, यानी 2 महीने के आसपास वेट किया, 26 नवंबर दिसंबर है, जैन है, ऑलमोस्ट 2 महीने वेट किया, और उसके बाद में इस दिन पे प्रॉपर अच्छे से संविधान लागू किया गया, ठीक है ना। चलिए, तो आई होप मैंने जो पढ़ाया आपको समझ में आया। यस, इसके अलावा एक और पैराग्राफ अपनी बुक में देखेंगे। यस, देखिए जो संविधान हमने अडॉप्ट कर लिया, अब जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट था 1947 का और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था 1935 का, अब हमारे पास ऑप्शन थी, या तो हम उनको नलिफाई कर देते या उनको एज इट इज चलने देते, तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को लगा कि कहीं हमने कोई पॉइंट छोड़ तो नहीं दिया, कहीं हमने कोई चीज स्किप तो नहीं कर दी, ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा केयर रखा गया, मतलब बहुत ध्यान रखा गया कि नहीं कोई चीज छूटे ही, पर फिर भी हो जाता है क्योंकि जल्दी जल्दी में सब कुछ हुआ है। तो जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 है और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, इन्हें कैंसिल नहीं किया गया, सोचा गया कि इन्हें लागू करेंगे, कभी अगर जरूरत पड़ी तो हम अमेंडमेंट कर देंगे, ठीक है ना। इसके अलावा अबॉलिशन ऑफ प्रिवी काउंसिल ज्यूरिस्डिक्शन एक्ट,
इसको जो अबॉलिश किया गया था ना, इस चीज को कंटिन्यू रखा गया, मतलब ये प्रीवी काउंसिल एक्ट जो है इसको कैंसिल रखा गया, इसके अलावा हर एक चीज इंप्लीमेंट कर दी गई। अब ये प्रीवी काउंसिल वाला क्या कंसेप्ट था कि जो भी यहाँ पे हाईएस्ट कोर्ट होता था वहां पे अगर कोई डिस्प्यूट सॉल्व नहीं होता था तो प्रीवी काउंसिल बैठते था लंडन में, तो वहां पे वो डिस्प्यूट जाता था। लेकिन अब ब्रिटिशर्स जा रहे हैं तो प्रीवी काउंसिल का क्या काम है ना, हमारे पास अपने हाई कोर्ट्स आ जाएंगे हर एक स्टेट के पास, हमारे पास अपना सुप्रीम कोर्ट आ जाएगा नेशनल लेवल पे, तो वहां पे हम डिस्प्यूट सॉल्व करेंगे ना, हम उनसे क्यों हेल्प लेंगे अब। ठीक है, तो इसलिए जो ये एबॉलिशन थी ना प्रिवी काउंसिल ज्यूरिस्डिक्शन एक्ट की, ये कंटिन्यू रखी है, मतलब इसे एबॉलिश ही रखा गया, बाकी जो दो एक्ट से हमारे एज इट इज लागू रहे। ठीक है ना, चलिए इसी के साथ अब हमारा आज का टॉपिक हुआ कंप्लीट। हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कमेटीज संविधान सभा की, हमने पढ़ा एनेक्टमेंट एंड एनफोर्समेंट। तो अब ये हमारी सेकेंड लास्ट वीडियो है, ठीक है, इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो होगा एक्सपर्ट्स कमेटी ऑफ द कांग्रेस, क्रिटिसिज्म हुआ, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कि हमारे संविधान को किसने ब्यूटिफाई किया, किसने लिखा, ऐसी सब चीजें है ना, किसने कैलीग्राफी की, उसके बाद हिंदी में भी हमारा संविधान है, ठीक है ना, तो वो कैसे कैसे हुआ वो सब हम पढ़ेंगे, कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आया, हमारा 58th अमेंडमेंट एक्ट था 1987 का कुछ ऐसा, तो वो सब भी हम पढ़ेंगे। ठीक है ना, हम पढ़ रहे थे इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत, चैप्टर नंबर 2 मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए इसके अंडर डिमांड फॉर अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उसका कॉम्पोजिशन, उसकी वर्किंग, उसकी कमेटीज, एनेक्टमेंट, एनफोर्समेंट, ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। आज ये हमारा लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का, एंड देन हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आप अपनी बुक में लिखा हुआ देख रहे होंगे एक्सपर्ट्स कमेटी ऑफ द कांग्रेस, यानी कि कांग्रेस ने कोई कमेटी बनाई है उसका नाम एक्सपर्ट्स कमेटी रखा है। तो यस, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। देखिए ये बात हो रही है उस टाइम की, जिस टाइम अभी हमारी संविधान सभा बननी है, अभी हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बननी है, अभी इलेक्शंस प्रोग्रेस में है, ठीक है ना। उसी टाइम पे INC ने 8 जुलाई 1946 को एक अलग से कमेटी बनाई जिसका नाम रखा एक्सपर्ट्स कमेटी। तो इन शॉर्ट ये कमेटी करेगी क्या, अब संविधान सभा कैसे वर्क करेगी, उसके अंडर कौन कौन सी वेरियस छोटी मोटी कमेटीज होंगी, माइनर कमेटीज, कौन कौन सी मेजर कमेटीज बनेंगी, किस तरह से हम पूरा प्लान करेंगे, वो पूरा ड्राफ्ट बनाने का काम, मटेरियल, जिस तरह से संविधान सभा बनने के बाद संविधान सभा काम करेगी, कैसे वो संविधान बनाएगी, ये सारा मटेरियल तैयार करके पहले से ही रख दिया था एक्सपर्ट्स कमेटी ने। ठीक है ना, INC को पता था कि जीतना तो हम नहीं है, क्योंकि ऑलमोस्ट हर एक इंसान जो है वो INC को सपोर्ट करता था, है ना, और सारे जितने भी दिग्गज लीडर्स थे वो इसी में थे, प्लस और कोई पार्टी थी नहीं, दूसरी साइड पे मुस्लिम लीग थी, वहां पे मुस्लिम्स का रिप्रेजेंटेशन था, और उसके अलावा अदर्स हम पढ़ते, ठीक है ना, तो एक तरह से ये चीज तो पता ही थी कि INC जो है पावर में आएगी तो किस तरह से संविधान बनाएगी, ये तैयारी करने का काम संविधान सभा बनने से पहले ही एक्सपर्ट्स कमेटी को दे दिया गया था। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पे वही चीज लिखी है, प्रोसीजर टू बी अडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, क्या प्रोसीजर वो अडॉप्ट करेगी कि हमारा संविधान बने, अपॉइंटमेंट्स ऑफ वेरियस कमेटीज, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान के क्या कॉन्स्टिट्यूशन के, हमारे संविधान के कॉन्स्टिट्यूशन के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं वो निर्धारित करेगी, तो वो सब हमारा एक्सपर्ट्स कमेटी करेगी। ठीक है ना, इसके चेयरमैन थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, और भी मेंबर्स आप अपनी बुक में देख सकते हैं, KM मुंशी है, N गोपाल स्वामी अयंगर है, और के संथानम है, इस तरह करके। ठीक है ना, अब देखिए वही है कि ये जो हमारी पूरी की पूरी एक्सपर्ट्स कमेटी थी ना, इसकी दो सिटिंग्स हुई थी। ठीक है ना, पहली सिटिंग इसकी न्यू दिल्ली में हुई, दूसरी सिटिंग इसकी बॉम्बे में हुई, ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, और ये जो हमारी एक्सपर्ट्स कमेटी है, ये जो हमारी संविधान सभा है, कौन से प्लान के अंडर बनी थी, कैबिनेट मिशन प्लान के अंडर बनी थी। ठीक है ना, अंडर कैबिनेट मिशन प्रपोजल्स। अब देखिए बुक में काफी कुछ लिखा है, एक अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट थे, उन्होंने किस तरह से जो है संविधान की मेकिंग को कहा है, किन वर्ड्स में एक्सप्रेस किया है, तो वो सब आप देख सकते हैं। ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, बट हाँ आपको इतना सा पता होना चाहिए कि 8 जुलाई 1946 को पहले ही इन्होंने एक कमेटी बना दी थी, चेयरमैन थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, काम क्या था कि संविधान सभा आगे कैसे काम करेगी, वो सब चीजें डिसाइड करने के लिए। फिर आता है क्रिटिसिज्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कि अब भाई जो हमारी संविधान सभा है, अब कोई भी चीज होती है तो उसके क्रिटिक्स पहले तैयार हो जाते हैं, चीज बन के बाद में तैयार होती है, तो वही चीज यहाँ पे भी हुई। क्रिटिसिज्म पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, तो 6 पॉइंट्स आप अपनी बुक में देखेंगे, अभी तो बिल्कुल देखिए कहानी जैसा है, इसमें कुछ समझने वाला नहीं है, बिल्कुल बेसिक से चीज है, आप सुनेंगे आपको कहानी की तरह याद हो जाएंगी। ठीक है ना, ना अब अलग अलग ग्राउंड्स पे संविधान सभा को क्रिटिक्स ने क्रिटिसाइज किया कि हाँ जी इसमें तो ऐसा नहीं है, इसमें तो वैसे नहीं है। फर्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, दैट नॉट अ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी,
कि जो संविधान सभा है ना हमारी, ये रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं है, इसमें सभी तबकों को इक्वली रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला है? इनका कहना था कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बेस पे इलेक्शंस नहीं हुए हैं, इलेक्शंस या फिर हम कहें कि संविधान सभा जो हमारी है वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बेस पे नहीं बनी है। ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है कि एक पर्टिकुलर एज लिमिट है ना, जैसे हमारा है एज लिमिट है हमारे जैसे इंडिया में, उसके बाद का कोई भी पर्सन है, चाहे वो लड़का है लड़की है, हर एक इंसान उस एज के बाद वोट दे सकता है, ठीक है ना, वो होती है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। तो इन्होंने कहा कि उसके बेसिस पे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ है ना। उन्होंने यही चीज मेनली आर्ग्यूमेंट की थी कि संविधान सभा की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की बात हो रही है कि जो संविधान सभा बनी है उसके जो मेंबर्स हैं वो डायरेक्टली इंडिया के लोगों के द्वारा यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बेस पे नहीं चुने गए हैं। ओके, सेकेंड आता है नॉट अ सोवेरियन बॉडी। अब देखिए संविधान सभा का निर्माण किसने किया है, ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने कहा कि आप संविधान सभा बनाओ, कैबिनेट मिशन प्रपोजल्स के अंडर की संविधान सभा बनी। तो इनका कहना ये है, क्रिटिक्स ने इस चीज को मेंटेन किया कि जो संविधान सभा है वो सोवेरियन बॉडी नहीं है। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो प्रपोजल्स आए, कौन सा प्रपोजल, कैबिनेट मिशन प्रपोजल, तो ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रपोजल के अंडर बनी है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के जो भी सेशंस होते थे ना, वो सेशंस, उन सेशंस के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ती थी, उसके बाद में ही वो सेशंस होते थे। तो देखिए हम जब उनके अंडर थे, हम अभी इंडिपेंडेंट नहीं थे, ठीक है ना, 1947 15 अगस्त को जाकर हम इंडिपेंडेंट हुए हैं, उसके बाद जो भी सेशन जो भी हुआ है उसमें थोड़ी हमने उनकी परमिशन ली है। तो उससे पहले तो हम उनके अधीन ही थे, तो हमें उनकी परमिशन की ऑब्वियसली जरूरत थी क्योंकि उन्होंने हमें इंडिपेंडेंस देनी थी, है ना। तो ये चीज देखिए, एक हो गया रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं थी कि सभी ने वोटिंग नहीं की, सोवेरियन बॉडी नहीं थी क्योंकि ब्रिटिशर्स की बोलने पे हमने संविधान सभा बनाई और ब्रिटिशर्स के पूछने पे, उनसे बार बार परमिशन लेने पे हर एक मीटिंग होती थी, ये सब करके। थर्ड पॉइंट आता है टाइम कंज्यूमिंग। अब टाइम कंज्यूमिंग का आप शॉर्ट से मतलब निकाल सकते हैं कि बहुत टाइम लगाया इन्होंने संविधान बनाने को। तो देखिए क्रिटिक्स के हिसाब से जो संविधान सभा थी उन्होंने बहुत ही ज़्यादा टाइम लगाया संविधान बनाने को। उन्होंने कहा कि जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन था वो सिर्फ 4 महीनों में बनके कंप्लीट हो गया था, ठीक है ना। अब देखिए एक चीज़ यहाँ पे समझने वाली है, जो जैसे इंडिया है ना, यहाँ पे स्टेट्स हैं, यूटीज हैं, उससे मिलकर इंडिया बनाए, वैसे ही वहाँ पे क्या आती है, वहाँ पे आती है स्टेट्स एंड प्रोविंसेस। तो टोटल 50 स्टेट्स वहाँ पे हैं, वहाँ पे टेक्सास है, फ्लोरिडा है और भी बहुत सारे हैं, है ना। तो अब होता क्या है, अब जो यूएसए है ना वहाँ पे डबल सिटीजनशिप है, जैसे कि पूरा एक कॉमन एक कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके बाद हर एक स्टेट का अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन है। लेकिन क्या इंडिया में ऐसा है? नहीं, इंडिया में तो सिंगल सिटीजनशिप है, हमारे पास एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है ना। तो हमारा स्टेट वाइज कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। यूएसए ने सिर्फ 4 महीने लगाए जो सिंपल वाला कॉन्स्टिट्यूशन था उनका बनाने के लिए। अब हर एक स्टेट ने कितना कितना टाइम लिया वो सब ऐड करेंगे तो ऑब्वियसली ज्यादा हो गई, है ना, ये चीज उन्होंने कही। इसी के कंटेक्स्ट में नजीरुद्दीन अहमद ने कहा, जो कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के एक मेंबर थे, उन्होंने कहा कि ड्राफ्टिंग कमेटी ने जो है इसमें कोई खास काम नहीं किया, वो सिर्फ ड्रिफ्ट कर रही है टाइम को, मतलब टाइम वेस्ट किया उन्होंने और कुछ नहीं किया। पर ऐसा नहीं था, छोटी छोटी चीज़ों पे, छोटी छोटी चीज़ें थी, क्लॉज बनाने थे तो टाइम लगता है। खुद से आप देखिए, अब हम पॉलिटी पढ़ती है, हम इतने पार्ट शेड्यूल्स पढ़ते हैं तो हम पढ़ रहे हैं, अब जिसने सोच समझ के बनाया उसको कितना टाइम लगा होगा ना, है ना। फोर्थ पॉइंट आता है डोमिनेटेड बाय कांग्रेस। तो क्रिटिक्स ने ये चीज भी कही कि जो हमारी संविधान सभा थी उसमें कांग्रेस पार्टी एक ही पार्टी थी तो उसी का डोमिनेशन था, ठीक है ना। ग्रैनविल ऑस्टिन जो एक अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट थे, उन्होंने कहा कि संविधान सभा एक वन पार्टी बॉडी है, ठीक है ना, और एक वन पार्टी कंट्री, इसी के साथ इंडिया को कहा, ठीक है ना। अब देखिए असेंबली, उन्होंने कहा कि असेंबली वॉज द कांग्रेस एंड द कांग्रेस वॉज इंडिया, ठीक है, लेकिन उस टाइम पे आप ये भी तो देखें ना कि कोई और पार्टी थी ही नहीं। अब आज की डेट में जैसे बीजेपी है, आईएनसी है, आम आदमी पार्टी है, ये सब नेशनल पार्टीज है, है ना, आम आदमी पार्टी भी नेशनल पार्टी बन चुकी है। तो देखिए उस टाइम पे सिर्फ आईएनसी थी और आईएनसी भी कुछ गलत तो कर नहीं रही थी, इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलाने के लिए ही काम कर रही थी। जितने भी माने ताने या जो भी दिग्गज लोग थे वो सारे आईएनसी में थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, है ना, जो भी थे हमारे गांधी जी हैं वो पार्टी के भी थे, है ना। बेशक उन्होंने बाद में राजसत्ता नहीं, मतलब पॉलिटिक्स में वो प्रॉपर तरह से नहीं आए किसी पोस्ट के साथ, बट वो भी थे। तो इस तरह से इन्होंने कहा कि कांग्रेस के डोमिनेशन है। तो देखिए रिप्रेजेंटेशन तो हर एक तबके को मिला है, हमने पढ़ा था ना जब संविधान सभा बनी तो एससी एसटी पारसीज एंग्लो इंडियन सिख यूरोपियन सबको रिप्रेजेंटेशन मिला है, और उन्हें वुमेन जो थी हर एक उसमें वुमेन को भी रिप्रेजेंटेशन मिला है, ठीक है ना। तो ऐसा हम ये बोल सकते हैं कि यस कांग्रेस थी उस टाइम पे, नो डाउट डोमिनेशन था बट रिप्रेजेंटेशन तो सबको मिला ना। फिफ्थ पॉइंट होता है लॉयर पॉलिटिशियन डोमिनेशन।
देखिए यहाँ पे ये चीज मेंटेन की गई, क्रिटिक्स ने कहा कि जो संविधान सभा है उसमें मेनली लॉयर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ पे जो अदर सेक्शंस हैं सोसाइटी के उनको सफिशियंटली रिप्रेजेंटेशन नहीं मिली है। मेन रीजन यही है कॉन्स्टिट्यूशन के बल्कि होने का, बड़े होने का, वॉल्यूमिनस होने का, कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज संविधान की होने का, कि वहां पे लॉयर्स ज्यादा थे। ऑब्वियसली लॉयर्स ज्यादा होंगे तो वो थोड़ा सा लॉ वाली लैंग्वेज जानते होंगे, है ना, हमारी बुक में भी थोड़ा थोड़ा लॉ वाला टच आ जाता है ना, तो यही चीज है कि वहां पे लॉयर्स ज्यादा है, पॉलिटिशियन ज्यादा है। अरे ये तो अच्छी बात है कि पढ़े लिखे लोग हमारे संविधान सभा में थे, अगर पढ़े लिखे लोग नहीं होते तो हमारे संविधान का क्या होता, है ना। तो पढ़े लिखे लोग तो उन्होंने बहुत चर्चा करके, डिस्कशन करके, अलग अलग अमेंडमेंट्स करके संविधान को बनाया, ये तो अच्छी बात है ना। और रिप्रेजेंटेशन सबको नहीं मिली, ये चीज तो मैंने आपको अभी बताई कि रिप्रेजेंटेशन सबको मिली है, ठीक है ना, हमने पढ़ भी रखा है। उसके बाद आता है डोमिनेटेड बाय हिंदूज। तो देखिए इन्होंने कहा कि हिंदुओं के द्वारा डोमिनेटेड है, तो यहाँ पे आई डोंट नो वो लोग क्या करना चाह रहे थे, जाते जाते भी इन्होंने कहा कि हिंदू धर्म के लोग यहाँ पे ज्यादा हैं, ठीक है ना, हिंदू डोमिनेटेड बॉडी है। लॉर्ड डिस्काउंट थे, उन्होंने कहा अ बॉडी ऑफ हिंदूज। सिमिलरली विंस्टन चर्चिल थे, उन्होंने भी कमेंट किया कि संविधान सभा जो है सिर्फ एक मेजर कम्युनिटी को इंडिया में रिप्रेजेंट कर रही है। देखिए जाने से पहले आपने धर्म के नाम पे ऑलरेडी बंटवारा कर दिया है, ठीक है ना। बंटवारा किस तरह से हुआ है, जो मुसलमान थे, सिख थे, इन सबको आपने सेपरेट इलेक्टोरेट्स दे दिए हैं, एंग्लो इंडियंस हैं, पारसीज हैं, सबको आपने सेपरेट इलेक्टोरेट्स, महिलाओं को आपने सेपरेट इलेक्टोरेट्स दे दिए हैं, नाम मांगने पर आपने दे दिए हैं, तो जैसे ही लोगों का दिमाग खराब हो रखा हुआ था, है ना, मॉलेमेंटल रिफॉर्म से उनको सेपरेट इलेक्टोरेट में उनको लगता है कि उन्होंने कुछ बहुत बड़ा अचीव कर लिया। उसके बाद उनकी एक ही चीज चलती है कि हमें पाकिस्तान चाहिए, हमें सेपरेट डोमिनियन चाहिए, हमें ये चाहिए, वो चाहिए, और वो मारधाड़ के बेस पे लेकर रहे, है ना। तो इस तरह से ये बड़ी गलत चीजें थी कि उन्होंने पहले धर्म के नाम पर डिवाइड किया, फिर हिंदुओं को जी आप डिप्रेस क्लासेस हो, आप एससीज हो, आप एसटी हो, आप वुमेन हो, वैसे डिवाइड करने लगे। तो अच्छा हुआ अभी चले गए, आगे पता नहीं क्या क्या कर देते, है ना, तो वो चीज भी थी। चलिए डोमिनेटेड बाय हिंदू तो नहीं, ऐसा तो नहीं था हिंदुओं की तरह डोमिनेटेड थे। अरे देखिए इन्होंने क्या किया है ना, वही सेम चीज है, यहाँ पे डोमिनेटेड बाय कांग्रेस है, यहाँ पे लॉयर्स ज्यादा है, सबको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिली, यहाँ पे हिंदू ज्यादा है, सबको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिली, यहाँ पे कांग्रेस ही थी और किसी को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिली, तो सेम वही चीज है, ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट जो हमारा आता है वो है इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। अब ये बहुत ज्यादा जरूरी है उनके लिए जो पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, या फिर जो लक्ष्मीकांत को पढ़ रहे हैं स्टेट एग्जाम्स के लिए, या टीचिंग के लिए, या सुपरिटेंडेंट के लिए। वैसे बहुत कम लोग होते हैं ऐसे, पर बहुत अच्छी बात है अगर आप एम लक्ष्मीकांत सर की बुक को कवर कर रहे हैं, क्योंकि इसमें आपको बहुत अलग से चीजें समझने को मिलेंगी। जो छोटी बुक्स होती हैं जो हम नॉर्मली पढ़ते हैं, उनमें इतना अच्छे से कंटेंट नहीं समझाया होता है। देखिए बात करें सिंबल क्या था कॉन्स्टेंट असेंबली का, तो देखिए सारा पढ़ने वाला है, याद करने वाला है, इसमें समझाने वाला कुछ नहीं, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा रीड करवा देती हूँ। सिंबल जो है संविधान सभा का वो था एलिफेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर यानी कि लीगल एडवाइजर संविधान सभा के लिए कौन थे, सर बी एन राव। सेक्रेटरी टू द कॉन्स्टेंट असेंबली एच वी आर एंगर। चीफ ड्राफ्ट्समैन एस एन मुखर्जी। तो ये तो आप बिल्कुल रट लो, इवन सारे रटने वाले हैं ये तो, है ना। कैलीग्राफर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कैलीग्राफर का मतलब होता है जिसने हाथ से खुद से लिखा हुआ है, है ना। तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ये वो हैं जिन्होंने एक्चुअल में जो ओरिजिनल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है अपने हाथ से लिखा है इन द फ्लोइंग इटैलिक स्टाइल। यहाँ पे जो ओरिजिनल वर्जन है हमारे संविधान का, उसकी ब्यूटिफिकेशन एंड डेकोरेशन किसके द्वारा की गई है, शांति निकेतन से आर्टिस्ट आए थे नंदलाल बोस एंड ब्योहर राम मनोहर सिन्हा। तो ये नाम याद रखना है, इन्होंने जो है मेनली प्रीएम्बल की ब्यूटिफिकेशन का काम संभाला था ब्योहर जी ने। इसके अलावा और भी काम था, ऐसा नहीं है और भी ब्यूटिफिकेशन की होगी, बट प्रीएम्बल की ब्यूटिफिकेशन के लिए इनको जाना जाता है। अब देखिए, अब हमने देखिए यहाँ पे पहले हम देखते हैं, लास्ट पॉइंट छोड़िए पहले आप, हमने नेक्स्ट क्या पढ़ना है, हिंदी टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि जो हमारा संविधान है उसे हिंदी में भी ट्रांसलेट किया गया है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो अब देखिए उसके बारे में पढ़ने से पहले, उसके बारे में पढ़ने से पहले आपको यहाँ एक चीज समझ आ गई कि हमारा संविधान हिंदी में भी है, तो अब हम पढ़ेंगे कि कैलीग्राफी हिंदी वर्जन में किसने की, मतलब हिंदी में अपने हाथ से किसने लिखा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। वसंत कृष्ण वैद्य ने इनकी इल्यूमिनेशन यानी सजाने का काम, सुंदर करने का काम यहाँ भी नंदलाल बोस जी ने लिया था। अब देखिए हम पहुंच गए अपने लास्ट टॉपिक की ओर, विच इज द हिंदी टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमारा जो संविधान है वो हिंदी में भी लिखा हुआ है, कैसे लिखा हुआ है वो सब देखने के लिए। बट यहाँ पे आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। नाउ अब देखिए ओरिजिनली जो हमारा संविधान था ना, उसमें ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था कि उसको हिंदी में भी लिखा जाएगा, ठीक है ना। लेकिन बाद में ऐसा प्रोविजन आया, बाद में 58th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया 1987 में, जिसके अंडर न्यू आर्टिकल इम्पोज किया गया 394A अंडर पार्ट 22, जिसमें कुछ प्रोविजन ऐड किए गए। उसमें प्रोविजन ऐड किए गए कि प्रेसिडेंट
पब्लिश करेगा अंडर हिज अथॉरिटी हिंदी टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें ट्रांसलेशन जो है हमारे संविधान की वो उसी की एग्जैक्टली हिंदी में की जाएगी, ठीक है। तो बिल्कुल हिंदी में की जाएगी जो भी अमेंडमेंट्स आज तक हो चुकी हैं। देखिए हमारा संविधान कब बनके तैयार हुआ, 1949, 26 नवंबर। तो 1949 से 1987 तक कुछ तो अमेंडमेंट्स हुई होंगी, तो वो सारी अमेंडमेंट्स भी एज इट इज हिंदी में जो है ट्रांसलेट की जाएंगी, उनका सेम मीनिंग होगा। अब देखिए अपनी बुक में आप देखेंगे तो यही चीज जो है बड़ा बड़ा करके लिखी हुई है, यही तीन कि हिंदी में लिखना है, एग्जैक्ट मीनिंग होना चाहिए, अमेंडमेंट्स अभी तक जो हुई है उनको भी अमेंड करना है, सॉरी नॉट अमेंड बट ट्रांसलेट करना है, ठीक है ना। तो यही सब है। अब देखिए इसी के साथ हमारा सेकेंड चैप्टर हो गया कंप्लीट। अब हम थोड़ा सा पॉज देंगे, अब हम बाकी सब्जेक्ट्स पे भी फोकस करेंगे, क्योंकि मुझे कमेंट्स आने शुरू हो गए थे कि मैम आप दूसरा सब्जेक्ट नहीं पढ़ा रहे हो, है ना, तो वो भी मुझे देखना है। अब आप मुझे बताएं कि क्या हम एम लक्ष्मीकांत सर की जो ये इंडियन पॉलिटी है इसके लिए कुछ टाइमिंग फिक्स करें, जैसे कि सुबह, जैसे डेली सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स आते हैं, तो वैसी कोई टाइमिंग क्या मैं इसके लिए फिक्स करूं ताकि आप लोगों के लिए डेली हो जाए, या फिर जैसे मैं अभी कर रही हूं कि 2-3 दिन मैंने लक्ष्मीकांत पढ़ाया, 2-3 दिन मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाऊंगी, इस तरह से करूं। जो भी आपकी फीडबैक है मुझे कमेंट सेक्शन में दें। इसी के साथ हमारा चैप्टर हो गया कंप्लीट। आप लोगों ने नोट्स बनाए या नहीं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आप बुक पे हाईलाइट कर रहे हैं या फिर नोट्स बना रहे हैं ये कंसेप्ट जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, सो दैट मैं जैसे कोई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। प्लस जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके साथ भी मेरे चैनल का लिंक जरूर शेयर करें, सो दैट इन हैंड रिटन नोट्स का उन्हें भी कुछ फायदा हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स इट एंड सी यू सून।